अबू बकर देगे की कहते हजरत अबू बकर अक्सर सदीक ही पढ़ते हैं जबर न जेर न सिद्दीक सदीक ते सिद्दीक दा बड़ा फर्क जे माने दा सिद्दीक जेड़ा अपने अमल ते कौल दे नाल दावे ते अमल दे नाल दीन दी ताईद करे यूसुफ अय्युह सिद्दीक अफ्तिना फी सबिल बकरा सबई बकरातिल शिमानिल याकुलुहुन सबउन इजाफुल व सबई सुबुलातिल खुजरिन व उखर याबिसार लअल्ली अरजिउ इलन नासि लअल्लहुम यअलमून यूसुफ सिद्दीक मेरे खाबा बादशाह नु खाबा आए सत मोटियां गावां ने सत पतलियां खावां ने गावां ने पतलियां गावां मोटियां गावां नु खा गईयां ने ओ पुत्र गल सुन अबला मैं की क्या है जो मैं बयान किया दसो मैं की क्या है दोवें जने दसो जरा दसो पुत्र माशाल्लाह करो तुसीं जलसा सुनना आए हो ना शाबाश अल्लाह तुहानूं जवानी हडानी नसीब करे दसो अला मैं की क्या है चल आखिरी लफ्ज़ दस दिओ मैं की बोलिया ए हाल जे साडा केड़ियां तुहाड़ियां जरूरी गल्लां रह गईयां करन वालियां बाद कर लिया जे अल्लाह दे बंदे सियाने बनो घरों तुसीं दस के अम्मा मैं जलसा सुन चलना जिन्ना घरां दे अंदर मुसीबतां दर मुसीबतां आउंदियां ने अपने धी पुत्तर नूं दीन दा इलम खालस इस नीयत ते पढ़ाओ मेरा धी पुत्तर दीन पढ़ के अल्लाह दा दीन फैलाएगा एक साल बाद मैं दस्सिया जो तुहाडे घर दे हालात बदले ने कहिंदे पढ़ाओ ते जे चाहते हो मेरा खतीब पुत्र छेती छेती बने फिर लाहौर मेरे मदरसे कर लो क्योंकि असी पहली क्लास तो ही नाल खिताबत दे गुर दसने शुरू करने हैं बाकी उस्ताद पढ़ाते ने एक सबक मैं आप रखना एक या दो उस सबक के अंदर ही मैं नाल नाल खिताबत दे गुर कापियां ते लिखाना ताकि बच्चा साढ़े दूजी दूजी क्लास के बच्चे जुमे पढ़ा डे माशाल्लाह जलसियां ते भी जा डे मेरी मेरे मदरसे के तालिबे कहो तो मैं तुहाडे इलाके किसे जुमे का टाइम दो मैं घर ना सुन के वेख्या जी मेरे मदरसे दे दूसरी क्लास के तालिबे इल्म आ हुण दूजे दा इम्तिहान दिता ना जे खतीब बनाना है तो आओ मेरे को कलो इंशाअल्लाह आप बिला तखीर तशरीफ़ लाते हैं फजीलत शेख फाजिल नगीना मुहक्क़िक़ आलम दीन खतीब इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद नवाज साहिब चीमा नाराए तकबीर नाराए तकबीर शान मुस्तफ़ा मुकाम मुस्तफ़ा हजरत मौलाना मोहम्मद नवाज साहिब चीमा अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाह शोर कटाया जी गुजरा कटाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी इन्हां नूं पुछो क्या इलम वाले इलम पढ़े और अनपढ़ बराबर हो सकते ने मुअज्जज़ समईन हजरात यार मेरी आवाज़ दे नाल जिहड़ी होर आवाज़ निकली नूं बंद करो सिर्फ मेरी आवाज़ निकले बस बहुत शोर अच्छा नहीं मुअज्जज़ समईन हजरात प्रोग्राम चूंकि तुसी समात फरमा चुके हो बच्चियां बच्चे
उन्हां दा इम्तिहानात दे मौका ते इनेकात पज़ीर है ताके बच्चियां दी हौसला अफजाई होए। जिन्हां बच्चियां बा जमात नमाज़ां पढ़ियां फजर दी नमाज दी बाकायदगी की गोल नहीं, आवाज़ बरीक रखो, फजर दी नमाज दी बाकायदगी की, दुआवां याद कीतियां, बच्चियां ने दीन पढ़िया, उन्हां दी हौसला फजाई वास्ते प्रोग्राम इनेकाद पजीर होया, उन्हां दे हौसले वधन और उन्हां नूं देखो देखी और बच्चियां दे दिल अंदर इलम पढ़न दा शौक पैदा होए। ये है इस प्रोग्राम दा मकसद। तुसी जितने तशरीफ ले आए हो मर्दो खातीन ताके तुसी भी सुनो, तुहाडे दिल अंदर भी तमन्ना ख्वाहिश पैदा होए कि मैं भी अपने बच्ची नूं पढ़ावांगी, आइंदा साल मेरा बच्चा खां कोई छोटा ही इनाम ले, इनाम भावें 1 रुपया भी होवे, उहदी कीमत ना वेखो, उहदी इज्जत वल ध्यान दिओ। इनाम एक एजाज हुंदा, इज्जत हुंदी है इज्जत। जनाबे उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला और सहाबा नबी अली सलाम दी मजलस के अंदर हाजिर, आपने फरमाया दसो दरख्त केड़ा है जिदी मिसाल मोमिन दी है, वो हर वक्त फल देंदा है, हर वक्त घर आ गए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते अबू जी मेरे जेहन में है सी वो दरख्त खजूर है, फल लगे जे कच्चा है डोके दे तौर ते इस्तेमाल होएगा, अद्धा पक्का अद्धा कच्चा है, ये भी खान दे काबिल, मुकम्मल पक्की है खान दे काबिल। जदों फल नहीं लगा उहदे तने दे अंदर जो गुद्दा है वह भी खान दे काबिल। हजरत उमर कहन लगे वाह बेटा उत्थे तू जवाब दे दो, मेरी इज्जत दे झंडे गड्डे जांदे। उमर दे पुत्र ने जवाब दिता है, आ हुंदा है मजमिया दे अंदर बच्चा कोई अच्छी कारगर्दगी अपनी पेश करे, उन्हों इनाम भावे थोड़ा भी दिता जाए, खुशी नाल मां बाप दे दिल फुल जांदे ने कि मेरे पुत्र धी ने इनाम लिया है। दुआ करना अल्लाह शेदारे नूं दिन दुगना रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। चूंकि मैं माहौल देखिया मेरा जी चाहिया इहदे ते चंद गुजारशात करा, अपने बच्चियां नूं जिथे मौका मिलदा इदारियां च पढ़ाओ। क्यों? इलम ऐसी चीज है, देखो अल्लाह दियां सारियां मखलूकां अच्छियां ने, लेकिन कुछ लोग एक मखलूक नू अपनी नज़रां चो गिरांदे ने, हकीर समझदे ने। कुत्ता जदों किसी नज़रां चो गिराना वो छड़ केड़े कुत्ते बंदे दी गल कर रहे हैं, चलो चलो कुत्ते आ दुर दुर फलां फलां। हकीर मखलूक कुत्ता, अनपढ़ कुत्ता बर्तन विच मूँह डाले ते इन्ने जहरीले जरासीम ने, शरीयत पाक कहती है 7 मरतबा धोवो। अनपढ़ कुत्ता शरीयत कहती है 7 मरतबा धोवो, पहली या आखिरी मरतबा मिट्टी नाल भी मांजना है। लेकिन यह कुत्ता जदों इलम पढ़ जे शिकार दा, कुछ समझ आई है कि नहीं? शिकारी कुत्ता इलम सिख जे शिकार करन दा, पहला अनपढ़ सी हुण सिख गया, इलम दा माने सीखना है। हुण जो पढ़ गया शरीयत आंदी ने खरगोश फड़ लिया है, दंद भी मारे ने, जख्मी भी खा लै,
इन्ना पिया जे फर्क इलम नाल अनपढ़ कुत्ता ते पढ़े कुत्ते दा किन्ना फर्क पै गया इलम नाल ते इंसान इत्थे सारिया मखलूकां तो अक्सरुल मखलूकात अगर ये इलम पढ़े ते आप ही अंदाजा ला लो किन्ना कीमती बन जाएगा। इलम एक ऐसी अजीम अल्लाह की नेमत है किसे बच्चे नू ही मिल जाए ना बच्चे नू ते अल्लाह इस तरह दे देंदा है बच्चे नू ही। मसलन मैं दो तीन मिसालां पेश करना हजरत अमर बिन सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो से बुखारी दी रवायत इन्हां दी उमर छे या सत साल दी उमर फरमांदे ने साडी रहायश मदीने दी मेन सड़क ते वे साडी रहायश दे कोल इक पानी दा चश्मा है मिठे पानी दा चश्मे आंदे जांदे लोक उत्थे रुकदे ने पानी पींदे ने सवारी नूं पिलांदे ने तां दा दम होके जांदे ने। फरमांदे ने मैं एक दिन चश्मे ते गया एक मैं बजुर्ग नूं पुछना वा कित्थों आए हो बेटा मैं मदीना ए पाक चों आया अच्छा दसो मैं सुने उत्थे कदीम हस्ती ने जेड़े कहिंदे जिन्हां दा दावा मेरे ते अल्लाह दी कलाम उतर दिए हाँ बेटा मैं उन्हां दे कोलों आ रहा अच्छा जिहड़ी उन्हां ते कलाम उतरी है क्या तुहानू आंदी है जिहड़ियां उन्हें आतां या सन मैनूं सुनाईआं मैनूं इन्ना प्यार हो गया मैं इको मरतबा सुन के याद कर लई हां हुण मैनूं कुराने पाक दीआं आयतां इन्ना मजा आ रहा है आपे घर आया ते गुणगनाना वा ते पढ़दा जाना बार बार पढ़ रहा मैनूं चस्का पै गया कुराने पाक दा चस्का अल्लाह सानू वी इह चस्का पा दे साडियां औलादां नूं चस्का पा दे कहंदे ने चस्का पै गया हुण सुबह दे टाइम मैं उठना ते सिद्धा चला जाना वा चश्मे ते आंदे जांदे मुसाफिरां तो मैं कुराने पाक पिया याद करना एक वक्त आया के मेरे अबू अपनी कौम दे चीदा चीदा लोकां नूं लै के नबी पाक दी खिदमत दे अंदर पहुंचे सोहणे पैगंबर दे कोलों इस्लाम दा तार पुछिया इस्लाम कबूल करदे ने इस्लाम कबूल करन तो बाद उत्थे कुछ दिन रहे ने दीन सिखदे ने मेरे पैगंबर इरशाद फरमांदे ने तुहाडे ते अल्लाह पाक ने दिन रात दे अंदर पंज नमाज़ां फर्ज कीतियां ने पंज। बेटा दरवाजा खोल दे किहड़ा ते सर्दी पै रही खोल दे दरवाजा ओ खोल दे ओ खोल दे ओ नलैका खोल दे दरवाजा है ओ ककर पै रहा तेनू खोल दे दरवाजा हज़रात रब्बा ते तवज्जो फरमा दे जाया जे बात ते गौर कर दे जाना अर्ज कर दिता ए हजरत अमर बिन सलमा रजी अल्लाह ताला फरमा दे अनहो फरमा दे ने आ फरमा दे ने मैं इस तरह कुराने पाक याद करदा रहा हुण मेरे पैगंबर दे कोल मेरे अबू ते कौम दे चीदा चीदा बंदे वापस आए नबी पाक ने फरमाया तुहाडे ते दिन रात दे अंदर पंज ने मादा फर्ज ने ते जदों ने मादा टाइम होए जिनू कुराने पाक ज्यादा आए जिनू कुरान दा इलम तुहाडे तो ज्यादा होए उनू अगे खलार लिया जे सारे उहदे पिछे खलोया जे उनू इज्जत दे आ जे किनू इज्जत दे आ जे कोई नहीं समझ आई जिन्हों तुहाडे चों ज्यादा कुरान याद होवे उन्हूं इज्जत देनी जे उन्हूं अगे इमाम बनाना जे। फरमांदे ने मेरे अबू ने सारिया तो कुरान सुनिया क्योंकि सारे चंद दिनों तो पढ़ लगे ने मैं ते कई अरसे तो पढ़ रहा सा मैनू सब तो ज्यादा कुरान याद आया मैनू उन्होंने फकदमूनी बैना अईदी हिम मैनू उन्होंने अपना इमाम बना लिया है किन्नी उम्र दा छे या सत साल का बच्चा है लेकिन कुराने पाक न प्यार पा लिया मुहब्बत पा लई है अल्लाह ने बच्चे नू इज्जत अता कर दी है इस वास्ते तुसी वी इतना प्यार पाओ यारी नाल कुरान दे लाल है तू अपने सुते हुए नसीब जगा लै तू
यारी नाल कुरान दे लाल है तू अपने सुते हुए नसीब जगा लै तू दिन रात कुरान नु पढ़िया कर राजी रब रहमान नु करिया कर जंती दरजिया ऊपर चढ़िया कर जंती दरजिया ऊपर चढ़िया कर पर कुरान ते दरजे पा लै तू यारी नाल कुरान दे ला लै तू अपने सुते को नसीब जगा लै तू एक हरफ पढ़े पढ़ावेगा दस नेकियां रब तो पावेगा विच जन्नतियां लिखे आ जावेगा विच जन्नतियां जन्नतियां विच जन्नतियां लिखे आ जावेगा जाती विच हदीस दे पाले तू यारी नाल कुरान दे लाले तू अपने सुते को नसीब जगा ले तू जो पढ़ना कुरान नु जान देने अगे पर पर फरिश्ते आंदे ने पर पैरां हेठ बिछांदे ने ਕਿਹੜੇ ਪਰ ਇਹੋ ਪਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ 6-7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੁੱਢਾ ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਪਰ ਵਛਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਪਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਾਲਦਾਰ ਮੁਤਕਬਰ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਲਾਉ ਤਾਰਾ ਇਜ਼ਯਤ ਵਫਲ ਲਜ਼ੀਨ ਕਫਰੁਲ ਮਲਾਇਕਤੁ يَزْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ਇਹੋ ਪਰ ਇਸ ਮਾਲਦਾਰ ਮੁਤਕਬਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਕਬਰ ਏ ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਦਾਰ ਏ ਭਾਵੇਂ ਅਫਸਰ ਏ ਬੜਾ ਆਲਾ ਤੋਂ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਏ يَزْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਥਿਆਂ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪੁਤਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਤਾਲਬ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਾਤ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਰ ਪਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਾਂ ਤੇ ਕਦਮ ਟਿਕਾ ਲੈ ਤੂੰ ਯਾਰੀ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਲਾ ਲੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਨਸੀਬ ਜਗਾ ਲੈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਈਏ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 11-13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਜਨਾਬੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਉਮਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 11-13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਹਾਕਿਮ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਕਰੀਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਫੇਰਾ ਮਾਰੋ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਿੰਡਿਆਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲਿਆਓ ਜ਼ਰਾ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਬਾਹੋ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਾ ਬਿਠਾਇਆ ਜੇ ਹਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਬਾਤ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਾ ਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਝਗੜਾ ਹੁਣ ਬਾਤ ਨਾ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਾ ਰੇ ਝਗੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾ ਦਾਊਦ ਵਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਇਜ਼ ਯਹਕੁਮਾ
القرآن في الحرس إذ نفشت في غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. رب العالمين فرماندے نے حضرت سلیمان پیغم حضرت داؤد تے سلیمان کول فیصلہ آ گیا ہے. فیصلہ کی مقدمہ کی آیا ہے ایک بندے دا انگوراں دا باغ ہے. مستدرک حاکم اندر دی تفسیر ہے انگوراں دا باغ ایک بندے دا اے بندے دا انگوراں دا باغ پھل لگن دے بالکل قریب ہے. ایک رات دے ٹائم بکریاں دا اجڑ پیندا ہے اے باغ نو اجاڑ دیندا ہے. آخر دن چڑیاں تے مالک نے کھوجی بلایا کھوجی کھوج کردا کردا ریوڑ تک پہنچ جاندا ہے. مقدمہ حضرت داؤد دی عدالت دی اندر دائر کر دیتا جاندا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام دی عدالت دی اندر مقدمہ آ گیا ہے. حضرت نے بلا لیا مدعی نو فرمایا بکریاں لے کے آؤ. ہن بکریاں لے کے آ جاندے نے. حضرت داؤد علیہ السلام نے بات سنی دونوں دی. توجہ میرے والو پتر سیانے بے نے ہو کے کیڑے تھانے لگے ہو. میں بھی کہنا آواز آ کے تھو میں ذرا غور دیکھنی کیڑا کیڑا بولدا پیا. قرآن حدیث دی مجلس ہے یار اے تسی ادب کرن رہے ہو. توجہ میرے والا حضرت داؤد علیہ السلام بات غور کر دے جانا. حضرت داؤد علیہ السلام جناب داؤد علیہ السلام نے بات سنیے تے مدعا لینو کہندے نے اگر تیریاں بکریاں دن دے ٹائم باغ اندر پیندیاں میں باغ والے دا بھی تھوڑا جا جرم کڈدا اپنے باغ دی نگرانی کیوں نہیں کیتی لیکن رات دے ٹائم تیریاں بکریاں پیاں نے تے رات اللہ پاک نے آرام واسطے بنائی ہے لہذا سارا جرم تیرا ہے. اس طرح کر تیریاں بکریاں ساریاں دے دیتیاں باغ والے نو. کیوں؟ او دا باغ پھل پکن دے قریب سی انہیں کمائی کرنی سی کمائی تو دی اجاڑی لہذا اے دے عوض بکریاں دے دے. بکریاں والے آجڑی بکریاں دے کے ہاتھ اندر اونا سوٹیاں پھڑیاں نے ٹرے جاندے نے. حضرت سلیمان یارہ تو 13 سال دی عمر پتر بیٹھ جا او بیٹھ جا او بیٹھ جا پتر اے ساڑے پنجابیاں پیٹ چا بڑی او تم ہی بیٹھ جاؤ کوٹی والیا بیٹھ جا تم ہی بیٹھ جا ہوں میں تم اٹھنے جنہ کو بچہ بھی اٹھنے کے بٹھا دیا جائے ساڑے پنجابیاں بڑی پیٹ چال جی ایک اٹھیا دو جنا ویکھو ویکھی ایویں اٹھ پے. میں تو اج ذہن بنا لگا تا علم پڑھو تو بچیاں پڑھاؤ تو دھیان پڑھاؤ نکیا نکیا بہت ادرا با کے رکھا جی تاکہ شوق پیدا ہوئے علم پڑھن کا. حضرات ذرا ہن بات توجہ فرماندے نایا جے حضرت داؤد علیہ السلام نے ہن حضرت سلیمان کہندے نے سناؤ کی فیصلہ ہویا جے. حضرت جی فیصلہ ہویا کہ ساریاں بکریاں دے دیتیاں نے باغ والے نو. فرمایا آؤ میرے نال اپنے ابو دی خدمت دے اندر عرض کردے نے ابو جی مشورہ دینا چاہنا فیصلے تے تھوڑی جی نظر ثانی کیتی جائے. بالکل بکریاں والیاں دا جرم ہے انہوں نے دا باغ اجاڑیا لیکن انہوں دیا بکریاں ہمیشہ دے واسطے نہ دتیاں جان. باغ والے دا باغ جڑا بکریاں والے نو دے دیو اور بکریاں باغ والے نو دے دیو تے بکریاں والیاں نو کہو کہ باغ دی نگرانی کرن جنہ اجڑیا جڑیاں ولاں ٹٹیاں پجیاں نے سدھیاں کرن جڑیاں ختم ہو گئیاں نے نویاں لان. اور باغ والے نو کہو کہ بکریاں چونکہ انہیں فائدہ لینا سی پھل دا ہن او دی جگہ تے بکریاں دا دودھ وغیرہ چوے فائدہ لوے. جدو باغ اپنی جگہ تے قائم ہو جاوے اس حالت تے آ جاوے بکریاں بکریاں والیاں نو دے دیا جے باغ باغ والیاں نو دے دیا جے. ایڈا کمال دا فیصلہ کیتا کڈے بچے نے یارہ تو 13 سال دی عمر دے بچے نے ایڈا کمال فیصلہ کیتا. اللہ پاک فرما دے نے فیصلہ انہاں نے کتھوں کیتا ہے کرکٹ دے میدان چو نہیں موبائلاں چو نہیں موبائلاں دے وچوں نہیں گیماں دے وچوں نہیں گیماں دے وچوں نہیں. انہاں نے فیصلہ ایڈا کمال دا 11 تو 13 سال دے بچے نے کتھوں کیتا ہے ففخمنا سلیمان
وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا۔ अल्लाह पाक फरमाते ने हजरत सुलेमान दा फहम असा ता फरमाया सी, इलम दिता सी, क्योंकि इलम दी वजह तो उन्होंने फैसला किया है। हुण अगे पर गल तुहानू सुनान लगा, हैरान हो जाओगे, तेरा बात ते गौर करिया जे। हजरत सुलेमान जे बचपन के अंदर ने चूंकि अपने अबू की अदालत अंदर आके बैठे ने, सुनिया करते ने, सुनाया करते ने गल। आखिर एक होर फैसला आ गया सी, बुखार चंदा है, दो बीबिया ने इन्हों दोनों ने अपने अपने बच्चे गोदी चुके ने, सफर कर रही ने। आखिर एक मुकाम ते अपने बच्चे बैठा के किसी हाजत नू जांदियां ने, वापस आईया ते वड्डी दा बच्चा बघियाड़ चुके लै गया है। जल्दी नाल आंदी है, छोटी दा बच्चा कब्जे कर लेंदी है। छोटी कहती है, भैन ते मेरा बेटा है। नहीं नहीं, मेरा है, मेरा है, मैं अपना चन्न देनी हाँ, नाल अथरू पांछा सुटे। हजरा हजरा हूँ बात तवज्जो फरमाते रे, कहदिया चलो जनाबे दाऊद की दालत में चलने, फैसला करवा लेने। हजरत दाऊद की दालत दी अंदर जांदियां ने, चूंकि हजरत दाऊद अली सलातो वसलाम अल्लाह दे नबी ते वक्त दे हाकिम ने। हुण ये बीबी बड़ी चर्ब जबान है, तेज ते ते छोटी बेचारी उन्हों एडी तेजी ना गल करन दा नहीं पता। ये जांदे आ कि वेखो अल्लाह दे नबी मैं मर चली हाँ, मेरा कलेजा बहार आ रहा है, मूह नू आ रहा है, वेखो इन खुट्टी का पुत्र लै गया बघियाड़े ने, मेरे पुत्र ते कब्जा कर लिया जे। जना हार पुकार की, अथरू छुट्टी जाए, पिटी जाए, रोई जाए। जनाबे दाऊद फरमाते ने बहुता रोंदी है, और बच्चा एदा है, बच्चा उन्हू दे दिता। पता लगा बहुता रोन पिटन वाले सच्चे होंदे नहीं, को नहीं समझ आई थानू। हजरत दाऊद ने फैसला कर दिता वड्डी दे हक अंदर। सही मुस्लिम दे विच आंदा है, अल्लाह पाक ने सोने पैगंबर फरमांदे ने, तुसी मेरे कोल अपने अपने मुकदमे लैके आंदे हो, अगर किसी ने चर्ब जबानी दे नाल मेरे तो फैसला अपने हक अंदर करवा लिया, हक दूजे भरा दा सी उन्हें लै लिया, गलत फैसला करवाया, सुनो उन्हें जहन्नम की अग लै ली है। मेरे पैगंबर की हदीस है, सही मुस्लिम की है। पता चलिया कि कई लोग बड़े चर्ब जबान होंगे ने, चर्ब जबानी तो कम कर जाते ने। अल्लाह पाक दी सुनी पैगंबर हदीस में मेरे पैगंबर वाकया बयान कर रहे ने, आप फरमाते ने आखिर कर हजरत दाऊद ने फैसला कर दिता है, वड्डी बच्चा लेके टुर पई है, रस्ते अंदर बच्चा मिल गया, बच्चा मिल गया, 11 तो 13 साल का कौन 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 जनाबे सुलेमान इस्लाम मिल पेंदे ने। की फैसला होया, आ होया जी, राजी हो ना दोवें? छोटी कहती हजूर राजी तो नहीं, पर की करा, मजबूर हाँ, चुप होना पे। अच्छा मुतमिन नहीं? नहीं, चलो फिर वापस। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ला जाते ने, अबू जी मैनू फैसले ते थोड़ी जी इजाजत दिती जावे कुछ कहन दी। बाप नूं पता सी कि मेरा बेटा अल्लाह ने बड़ी इलम ते दनाई अता कर दीती है, बड़ी दनाई अता कर दीती है। हजरत दाऊद हजरत सुलेमान फरमांदे ने, लियाओ सिक्कीन। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह, भाई मूंह हथ रखी दा जमाई आवे थे, आवाज़ नहीं कड़ी दी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जमाई आवे ना, वासी आवे, आवाज़ ना कड़ो, शैतान हसद है, क्योंकि आवासी शैतान की तरफ होंदी है। एक तो आवाज़ नहीं कड़ी दी, कंट्रोल करी दा, दूजा मूँह के हथ रखी दा, ना रखो जिन अंदर चला जाता है, अंदर जाके खराबियाँ पाएगा शैतान जिन। हजरा जरा हूँ बात तवज्जो फरमाते जे, बात जो मैं अर्ज कर लगा वा। हजरत सुरे हजरत सईद आयशा फरमादिया ने, चूंकि साढ़े इलाके अंदर छुरी नू मुदिया कहा जाता है, मुदिया, लेकिन ए मैं
पहली दफा नबी पाक तो सिकीन दा लफ़्ज़ सुनिया सी के छुरी नू सिकीन भी कहंदे ने। फरमाया सिकीन लियाओ। छोटी कहंदी है हजरत जी सिकीन की करनी रे मेरे पैगंबर। हजरत सुलेमान फरमांदे ने छुरी ए मैं टुकड़े कर देना बच्चे दे दोनों एक तू ले ले एक ओ ले ले। वड्डी कहंदी सुभान अल्लाह मैं कुर्बान जावां नबी जादे दा फैसला भला मैं मोड़ सकनी हाँ। आ तरीका हुंदा जे ब्लैकमेल करन दा हैं। लफ्ज़े नबी इस्तेमाल हो रही है। इकरारुल असल कहन डिया मैनू एक कैद सुना शुफ शुफ ओ मैनू एक कैद सुना दे। वो कहंदा ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत। वो कहंदा मैं तैनू अनायत सुना। वो कहना ताजदार खत्म लो जी मैं ताजदार और मैं खत्म नबूवत ते काम कर रहा इन्हें मेरे तैह किया हूँ गल किधर दी लै किधर गया तनु समझ कोई नहीं आ रही। उन्हें क्या एक ही है सुना दे जादूगर है परले दर्जे का जादूगर ए शोफ शोफ। मैं तो चूंकि इस फील्ड में मैं तो समझना इस गल अल्लाह अकबर। हजरा जरा हूँ बात तवज्जो फरमाते डाया जे बात तवज्जो। अगर जो कुराने पाक ना इलाज करता तो आता उची क्यों नहीं पढ़ता बस हूँ तो अंग्रेज भी साड़ा मजाक उड़ान डे रहे खरे तुम वेख्या वे गोरा भी करन डे है इस एक इंडिया च हिंदू भी करन डे है हूँ तो भी मजाक उड़ान लग पे साडा। एक ऐसा कितों पैदा हो गया मुसलमाना च जिन्हें बदनाम करके रख दिता सानू। अल्लाह अकबर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हक हक होएगा बातिल बातिल होएगा इंशाल्लाह। इकरारुल असद दी अल्लाह हिफाजत फरमाए इस मसले च। हजरात जरा हुण बात तवज्जो फरमांदे डाया जे ब्लैक मेलियां शुरू कर दित्तियां ने हुण ए भी ब्लैक मेली कर दिए कहंदी है कुर्बान जावां मैं नबी जादे दा फैसला किवें मोड़ सकनी आ। ए छोटी जड़ी है चुप हो जांदी है। हाँ छोटी की कहंदी है हजरत जी ना इहदा टोटे करिया जे ओ जाने इहनू ही दे दियो। हजरत सुलेमान अर्ज करदे ने अबू जी बच्चा वड्डी दा नहीं बच्चा छोटी दा है बेटा क्यों। अबू जी बच्चा ओदा जिदे कलेजे हाथ पे आए जिदे कलेजे हाथ पे आए। ओ शुफ शुफ सानू दुख इस गल दा है लोकी साडे इस्लाम दा मजाक पे उड़ांदे ने। तेनू इस्लाम नाल गर्द कोई नहीं तेनू अपनी शोभ दा बाजियां नाल हाथ दियां सफाइयां नाल आँखां चो जंजीर कढ़न डे है। ये जंजीर कटना करामत है ये तो आदि सफाई है। और एक करालो सने एक बंदा तैयार करके उन्हें चार दिहाड़े मश्कर आई है उन्हें करके नहीं बहाया आखे जंजीर पा के डोल कढ़न डे है। उन्हें कहते मश्के ये करामत का दी ये मश्के। मियाँ बीवी दोवें तिड़पे तेड़े थोपे सुहागा चुकिया बंदे ने ते क्यों फिर है ताकत के नहीं हो सके जी तू रोजाना वर्द प्रैक्टिस करना है। नहीं नहीं मेरा डंडा ही जोर है बस आख्या वो भी गल ठीक है मैं माननी हाँ पर प्रैक्टिस है मश्के। बंदा लग पाया औखा हो बीबी ने ना चुप कर रही मझ सू पी मझ ने दिता कट्टा। बीबी रोजाना कट्टा इतने गर्दन ते सुटे ते सीढ़ियाँ दौड़ी दौड़ी चढ़ती कोठे ते छत तो थले रोजाना प्रैक्टिस करे करे कट्टा जो वाह वाह पल गया चूंकि रोजाना करन डई सी कट्टा वाह वाह पल गया कहंदी है ए सूरमिया तू ताकतवर बड़ा है अजरा कट्टा ते चुक। उन्हें थले धौन डाई कट्टा ना चुकिया गया। बीबी ने धौन डाई चुकिया कट्टा छत ते छत। नी तू उसका क्या हो मैं हैं तू कट्टा चुक लिया उस आख्या प्रैक्टिस है ये करामत का दी है जंजीर कढ़न डे है मूछ केले रखे नो कढ़न डे है ये प्रैक्टिस है। और कमाल की गल चार वीडियो चुने वहाइया चारवा भी इको ही औरत है तुसा गौर नहीं किया जेड़ी बीबी की अख चो जंजीर कढ़न डे है इको ही बीबी है
कुछ वक्फे वक्फे बाद फिर वही आ जाती सी इधर लिबास बदल के। प्रैक्टिस मश्क हजरात इनू कहते ने शोभदा बाजी, इनू कहते ने हथां दी सफाई। हुण बात ते गौर करदे जाया जे हजरत दाऊद नू हजरत सुलेमान कहते ने अब्बा जी बच्चा छोटी दा जिहदे कलेजे नू हथ पे आए, साढ़े कलेजे नू हथ पैंदा कि साडा दीन इस्लाम बदनाम हो रहा है। हुण बात तेरा तवज्जो फरमांदे जाया जे हजरत सुलेमान ने 11 to 13 साल की उम्र अंदर एडे कमाल फैसले कीते ते किदे सरीए इलम इलम। फिर हुण फायदा की होया, जनाबे सुलेमान की उम्र 13 साल हुई ते हजरत दाऊद अली सलाम की वफात हो गई। किन्नी उम्र सुलेमान अली सलाम की, किन्नी उम्र हजरत की उम्र 13 साल की हुई ते हजरत दाऊद की वफात हो जाती है। हजरत सुलेमान अली सलाम हुण बच्चे ने ते सारी कौम की कहती है इस बच्चे नू अपना हाकिम बनाओ। किसे एक ने भी इख्तलाफ नहीं किया, उन्हें क्या भावे बच्चा है लेकिन वड्या वड्या तो बेहतर फैसले करता है। 13 साल के बच्चे नू वक्त दा हाकिम बना दिता गया। हुण मैं जिहड़ी गल दसना वा, इलम पढ़ाओ तुहाडे बच्चियां नू अल्लाह बचपन दे अंदर इज्जत अता करेगा। और जदों तुहाडे बेटी बेटे नू इज्जत मिलेगी। हुण आड़ा बच्चा इत्थे आया सी फजर दी नमाज, मौला मकबूल साहब फरमा रहे सन क्या वेखो हजरत सर्दियाँ सख्त सर्दी अंदर धुंदा अंदर बच्चा, हुण बच्चा मेरे नहीं इलम च, मैं नहीं इहदे वालिदैन तो वाकिफ, तो अल्लाह जानता मेरे ढिडो दुआवां निकलन डईआं सन। तो एक बच्चा इधरों हाफिज़ साहब के बच्चे आए सन, वेखो लिओ जी पंजे टाइम बाद जमात, तो मैं क्या मैं लफ जुमला बोलिया शायद तुसीं गौर कीता, मैं क्या सी माँ बाप की तरबीयत जे, मेरी गल समझो कि नहीं। अल्लाह के बंदे हो तुहाडे बच्चे इलम पढ़न, एजाज तुहानू है, इज्जत तुहाडी है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरात जरा हुण बात ते तवज्जो फरमांदे जाया जे बच्चा इलम पढ़ेगा ते अल्लाह बच्चे नू इज्जत देवेगा ते बच्चे दे मां बाप नू भी इज्जत देवेगा। और इलम ऐसी चीज है इहदी वजह तो सिर ते आईआं मुसीबतां अल्लाह दूर कर देंदा है। सिर ते आईआं मुसीबतां इलम पढ़ान दी वजह तो अल्लाह दूर कर देंदा है। किथे लिखे है 12वां सिपारा 13वां सिपारा आन लगा जे ते सूरत आन लगी है सूरा यूसुफ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू अल्लाह पाक ने बड़ा हुसन अता फरमाया है, हुसन दा बड़ा अजीम हिस्सा अता कर दिता है। हजरत यूसुफ पैगंबर नू हुसन अल्लाह पाक ने अता किया है। हुसन भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन हुसन की वजह तो चले गए जेल अंदर। वो समझ आई है, क्योंकि हुसन की वजह तो गए ना, हुसन की वजह तो चले गए जेल अंदर। ते जेल चो कढ के तखत ते अल्लाह ने बिठाया इलम की वजह तो। किस तरह लो मैं इख्तसार ना तुहाडे सामने पेश करना। एक होर बेटा जिन्हां दी आवाज आ रही है आवाज़ बंद करो, खामोशी इख्तियार करो। अल्लाह बार भी जरा बच्चों चुप कराओ। हजरा जरा हुण बात ते तवज्जो फरमांदे जाया जे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात कर लगा वा। हजरत यूसुफ पैगंबर जदों जेल के अंदर चले जाते हैं तो इन्हों की जेल के दो साथियों को ख्वाब आता है। इन्होंने ख्वाब की तबीर बयान कर दी है, जिमें तबीर बयान की थी। एक कहिंदा मैं सिर ते रोटियां रखिया ने, चीलां ते परिंदे चुक चुक के ले जाते हैं। दूसरा कहिंदा गुरां दा रस नचोड़ के मैं बादशाह नूं पेला ना। फरमाया तुहाडे दोनों दे विचों एक नूं फांसी दे दित्ता जाएगा, एक जिहड़ा बादशाह दा साकी बनेगा। दोनों कहन लगे फिक्र पै गया पता नहीं किहड़ा फांसी आएगा। दोनों कहन नहीं 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 असीं तां उंज करन डए सां, उंज उंज। फरमाया हुण तुसीं उंज करो, इंज करो, तबीर निकल गई है, इंज हो के ही रहेगा। इसे वास्ते नबी अली सलाम ने फरमाया ख्वाब दियां तीन किस्मां ने, ख्वाब दियां तीन किस्मां।
अल्लाह पाक दे सोने पैगंबर फरमांदे ने ख्वाब दियां ने तीन किस्मा। एक ख्वाब अल्लाह पाक दी तरफो आंदा है, वो सच्चा ख्वाब हुंदा है। ओदी दो किस्मा ने, एक दी मेनवा अंजो वेख्या सामने आ जांदा है, कदी ओदी ताबीर कड्डी जांदी है। दूसरा ख्वाब बंदे दे ख्यालात ख्वाब बन जांदे ने, या ख्यालात या ख्वाब ख्यालात बन जांदे ने। ते तीसरा फरमाया शैतान दी तरफो है डरावना, शैतान दी तरफो। हुण तवज्जो जरा मेरे वल करिया जे, शैतान दी तरफो डरावना ख्वाब। लफज हदीस दे शैतान दी तरफो ए की है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी अखीर जमाने दे जहालत आम होएगी। जहालत दियां किस्मां विचों किस्म जड़ी है ना, ओ जादू भी है। जादू आम हो जाएगा, इस वक्त जादू आम हो गया आम। तुहानू नजरे बद लगी अगर तुसी दम नहीं ना करदे जादू बन जाएगा। तुहाडा किसे हसद नहीं, हसद कीता है तुसां जा दम नहीं कीता जादू बन जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम रात नूं सौण तों पहले तीन मरतबा कुल हुवल्ला फलक व नास पढ़ के हत्तां ते फूक मार के सारे जिसम ते फेर दे। नजरे बद और हसद इहदा इलाज नाल नाल ही हुंदा जाए। तुहाडे चों किन्ने कोई कम करदे हो, है उमर किसे दा इक्को दो बंदे आला खड़ा कीता जे? ऐ सारे असी मुसलमान हाँ, हुण को समझ आ रही रे? ये तिन्ने कोल रात नूं तीन तीन मरतबा पढ़ के हत्थां ते फूक मार के जिसम ते फेर के सौना करना है, तुहाडा फायदा जे। जादू तो बच जाओगे, नहीं तो जादू बन जांदियां जे चीज़ां। नजरे बदते असद जादू बन जाता जे। जादू शैतान भी करता है, जादू इंसान भी करते हैं जादू। और जादू की अलामत डराने ख्वाब, ख्वाब अंदर मुर्दे मिलने, मज्जां गावां मगर चढ़ियां ने, छप छिपकलियां, कभी उत्तों डिगण, डराने ख्वाब। बंदा बैठा है या लेटे है, आ वेखे मेरे वाले वेखे, आ झटके लगने, जादू की निशानी। जिसम उत्ते नील पै जाने, जादू की निशानी। नाखना के निशान पै जाने, जादू की निशानी। कमर दर्द होनी या मोहरे निकल जाने, जादू की निशानी। इस तरह अल्लाह हो बंदा टुर रहा है, महसूस हो मेरे पिछे को आ रहा है, देखिए कुछ भी नहीं, जादू की निशानी। जोड़ा दियाँ दर्दा जादू की निशानी। जो अलामत चो को अलामत जहर हो ना, फौरन यदा इलाज करवाओ। असी टुर पे डाक्टर वाल, आ मेरे गोडिया टुरया नहीं जाता, डाक्टर आंदा तेरी मिख मुक गई है। 70 मेरे को ऐसे मरीज आए ने, जादू खत्म होया तो छाला मारन लग पे उस टाइम ही, घंटा दो नहीं 5 मिनटा च ही छाला मारन लग पे, बैठका कढ दे मर्द औरतां। मैं क्या हूँ कितों मिख आ गई है, क्योंकि मैं डॉक्टर तो इतराज नहीं करता, उन्हें अपने इलम ना दसना है, असी अपने इलम ना दसना है, हकीम अपने इलम ना दसने रे अपने तजर्बा न। तो बात जी कर रहे हैं ये अलामत जार हो, क्योंकि देखो कैंसर, गेंठिया, मिर्गी 100% जादू है, 100% जादू, 100% यह जादू तो गया नहीं। गुर्दे फेल होने 90% जादू, फालच हार्ट अटैक 90% जादू, 90% जादू की वजह तो। सांस की बीमारी 95% जादू, 95% जादू, तजर्बा करके देख लिया। एक गल वक्री है, बस आम इलान पता नहीं चलता कि जादू है कि नहीं। हाँ अगर किसी को लड़का औरत हाजरी वाली है, वो को सियाने जिन्नात ने उन्होंने अद्धी समय दे सुन के दसेगा जादू है, और इतना पुराना जादू है। मैं अर्ज करा, चूंकि जिमनर बात आई मैं कर गया। हजरा हूं ते जादू, अल्लाह पाक दे सोने पैगंबर फरमांदे ने, फरमाया इज तने बू सब अल मुबेका
ਸਾਤ ਫਰਮਾਇਆ ਸਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜਿਹੜੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ਿਰਕ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੂਦ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਦੂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਦੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਠੱਪ ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਰੂਜ 'ਤੇ ਗਿਆ ਯਕਦਮ ਥੱਲੇ ਔਲਾਦਾਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਜਾਦੂ ਦੇ ਹਜ਼ਰਾਂ ਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਬਾਤ 'ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਾਇਆ ਜੇ ਬਾਤ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਬਾਤ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਦੂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਂਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਠੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ ਵੱਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੁੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਗਈ ਹੈ ਦਰਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖ ਫਰਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੱਪ ਫਰਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਫਰਕੇ ਡਰਾਉਣੇ ਖਾਬ ਆਣ ਜਾਂ ਉਂਗਲ ਠੁੱਕ ਜੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜਾਦੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਗ ਪਿਆ ਏ ਫੁਰ ਫਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ਕਾਰ ਸੁਬਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਦੂ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਅਗਰ 100 ਘਰ ਮੇਰਾ ਤਜ਼ੀਆ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ 100 ਘਰ ਏ ਮੇਰਾ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਤਜ਼ੀਆ ਚੋਂ 95 ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਦੂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਾਦੂ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਸਿਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਹਰ ਦਾ ਮਨ ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਛੁਪਿਆ ਇਹ ਛੁਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਸੀਅਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿਹੜੀ ਜੇ ਜਾਦੂ ਹੋਇਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਦੂ ਹੈ ਜਿਬਰਾਈਲ 'ਤੇ ਮੀਕਾ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ 10-10 ਸਾਲ 15-15 ਸਾਲ 20-20 ਸਾਲ ਛੁਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੇ ਸੰਭਾਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹੁਣ ਬਾਂਹ ਲੰਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖਾਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਪੈਗੰਬਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਬ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਖੈਰ ਖਾ ਆਲਿਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਬੀਰ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਾਬੀਰ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਢਾਓ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹੁਣ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਦੇ ਜਾਇਆ ਜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਪੈਗੰਬਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਬ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਦਸੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਸਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਾਬ ਆਇਆ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਬ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਾਇਆ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਬ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਲੂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਾਬ ਆਇਆ ਉਹ ਖਾਬ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਬਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਗੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਐਵੇਂ ਤੇਰਾ ਵਹਿਮ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਖਿਰ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇਲ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯੂਸਫ ਉਹਨੇ ਜੋ ਤਬੀਰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਮਿਨ ਵ ਅਨ ਉਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮੈਂ ਜੇਲੋ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਸਫ ਅਯੂਹਸ ਸਿੱਦੀਕ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬੱਕਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬੱਕਰ ਅਕਸਰ ਸਦੀਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਜ਼ੇਰ ਨਾਲ ਸਿੱਦੀਕ ਸਦੀਕ ਅਤੇ ਸਿੱਦੀਕ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਜੇ ਮਾਣੇ ਦਾ ਸਿੱਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਕੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਨ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰੇ ਯੂਸਫ ਅਯੂਹ ਸਿੱਦੀਕ ਅਫਤੀਨਾ ਫੀ ਸਬਿਲ ਬਕਰਾ ਸਬਿਲ ਬਕਰਾਤਿਲ ਸ਼ਿਮਾਨਿਲ ਯਾ ਅਕੁਲਹੁਨ ਸਬਉਨ ਇਜਾਫੁਲ ਵ ਸਬਇ ਸੁਬੁਲਾਤਿਲ ਖੁਜ਼ਰਿਨ ਵ ਉਖਰ ਯਾ ਬਿਸਾਰ ਲਅੱਲੀ ਅਰਜਿਉ ਇਲੰ ਨਾਸਿ ਲਅੱਲਹੁਮ ਯਅਲਮੂਨ
कोल यूसुफ सिद्दीक मेनु खाबा बादशाह नु खाब आए सत मोटियां गावां ने सत पतलियां खावां ने गावां ने पतलियां गावां मोटियां गावां नु खा गईयां ने पुत्र गल सुन अबलामा की क्या है जो मैं बयान किया दसो मैं की क्या दोवें जने दसो जरा दसो पुत्र माशाल्लाह करो तो जलसा सुनना आयो ना शाबाश अल्लाह तुम जवानी हडानी नसीब करे दसो अल्लाह मैं की क्या चल आखिरी लफ्ज दस दियो मैं की बोलिया ए हाल जे साडा केड़ियां तुहाडियां जरूरी गल्लां रह गईयां करन वालियां बाद च कर लिया जे अल्लाह दे बंदे सियाने बनो करो तुसीं दस के अम्मा मैं जलसा सुन चलना हजरा जरा हूँ बात तवज्जो फरमाते आजे हजरत यूसुफ अली सलाम हजरत यूसुफ अली सलाम नो कहता है बादशाह नु खाब आया के सत मोटियां गावां ने सत पतलियां ने पतलियां मोटियां नु खा गईयां ने सत वल्लां सुकियां ने सत वरियां हरियां ने हजरत यूसुफ अली सलाम ने खाब दी तबीर भी दसी निजाम चलान दी तदबीर भी दसी कली तबीर ही नहीं दसी तदबीर भी दसी फरमाया सुनो दी तबीर वे पहले सत साल होंगे बड़ी खुशहाली दे बड़िया फसलां होनगियां बड़ा फल होवेगा बड़ा अनाज होवेगा ओदे तो बाद सत साल आनगे कहंदे जेड़े पहला तुसां पहले जेड़े तुहाडे सत साल होनगे खुशहाली दे तुसां गंदा वड़नी है ओनू गाना नहीं दाने सिटियां दे विच रह के महफूज कर ले जान अगलियां सत्तां सालां दे अंदर खादा जावे पहलियां सत्तां सालां च अनाज बड़ा सोच समझ के चलाया जे फिर अगलियां दे अंदर ओही चलाया जे तकदीर भी दसी ते तबीर भी दस दीती है जिस वेले आया है साकी आके बादशाह नू तबीर दसदे बादशाह कहंदा सच क्या उस बंदे ने ओ यार एहो जा बंदा आलिम ओ जड़ा इलम रखदा ओनू जेले आ जिन्ना छान बूरा मेरे दुआले बहाड़िया जे जाओ लियाओ नू कढ़ के लियाओ उस बंदे नू आलिम नू हुशम दी वड़ा तो गए जेल क्योंकि जेल मुसीबत है ना मुसीबत है जेड़ा भी सियासतदान जाता पहलू तो सारे एक दूजे को तेनों मार छड़ना वो आंदा तेनों मैं जदों अपनी वारी आती फिर सारे ही दवाइया देंदे ने हज़रा हूँ बात गौर कर दे आ जे जेल बड़ी वड्डी मुसीबत है हुसन दी वड़ा तो चले गए ने जेल दे अंदर जेल दी मुसीबत दे विचों अल्लाह पाक ने कढ़िया केड़ी चीज दे जरिए इलम पता चलिया इलम दी वड़ा तो अल्लाह सिर ते आईयां मुसीबतां टालदा है हजरत यूसुफ अली सलाम नू कढ़ लिया जांदा सिर्फ इत्थे ही गल नहीं हजरत यूसुफ पैगंबर नू पहलू ते वज़ीर खजाना बना दिता जांदा फिर हकमे वक्त बन जांदे ने हुण बात जो मैं करना चाहना इलम दी वजह तो अल्लाह पाक ने इन्हां नू शान अता कर दिती है इलम दी वजह तो शान दे दिती है इलम पढ़ो होवे इलम पढ़ो होवे पहचान केड़ा साडा अल्लाह केड़ा साडा नबी सुल्तान इलम पढ़ना लोको साडी मजबूरी है इलम तो बगैर अकल होवदी ना पूरी है इलम दे नाल अकलां वध दियां जान इलम पढ़ो होवे पहचान इलम दे नाल अकल बंदे दी वधदी है सोच वधदी है तहजीब वधदी है इलम दे नाल इलम पढ़ो होवे पहचान केड़ा साडा अल्लाह केड़ा नबी सुल्तान सूरा सुमर विच मौला खुद फरमावदे अन पढ़ पढ़िया बराबर नहीं हो जांदे पढ़िया नू देवे अल्लाह पढ़िया नू देवे मौला इलम पारो शान इलम पढ़ो होवे पहचान इलम है जी ऐसी दौलत लाजवाल ऐदे नाल शान देवे अल्लाह दुल जलाल दसे आए नुस्खा सानू हदीस ते कुरान इलम पढ़ो होवे इलम पढ़ो होवे पहचान यूसुफ ताई खूह विच सुट दे परा यूसुफ ताई खूह विच सुट दे परा इलम ने शाही तख्त उते दिता है बठा
तवज्जो फरमाया जे इलम दी बात कर लगावा यूसुफ ताई खूह विच सुट दे परा इलम ने शाही तख्त उते दिता है बैठा परावा ताई मननी पई यूसुफ दी ए शान परावा मननी के नहीं मननी एक वक्त आया ना परा सजदे पै गए हजरात बात ते गौर कर दे जे यूसुफ ताई खूह विच सुट दे परा इलम ने शाही तख्त उते दिता है बैठा परावा ताई मननी पई यूसुफ दी ए शान इलम पढ़ो होवे पहचान केड़ा साडा अल्लाह केड़ा नबी सुल्तान इलम पढ़ो होवे पहचान बचपन विच वेखो सुलेमान फैसले सुनावदा बचपन में वेखो सुलेमान फैसले सुनावदा सुन के बाप सने जग सारा हो हैरान जावदा इलम विचो मिली है इलम विचो दौलत मिली दस दा कुरान इलम पढ़ो होवे पहचान इलम पढ़ो होवे पहचान आइए मैं आखिरी एक वाकया कुरान चो बयान करके दे गल मुकावा हजरत सुलेमान जो अल्लाह ने सल्तनत अता कर दी है हजरत सुलेमान पैगंबर अली सलाम इन्हों अल्लाह ने सल्तनत दी बड़ी अजीम शान यहो जी सल्तनत किसी को नहीं मिली अल्लाह ने हवावा इन्हों के ताबे कर दतिया ने जिन्ना इन्हों के ताबे कर दिते ने परिंदे इन्हों के ताबे कर दिते ने वामे नाल जिमने मैया अमलु बैना यदई है वे इज़ने रब्बे ही वा मैया जिग मिन हुम अन अमरना नुसिक हुमिन अजा बिसाईर अल्लाह पाक ने जिन्नात नू हजरत सुलेमान दे ताबे कर दिता ऐ मेरे सुलेमान इन्हें जिन्नात तो कम लवो बंदे आला जड़ा इंसाना करना कम लो और एक कम जिन्नात तो इंसाना वाला रहना सिर्फ नबी सुलेमान नू इजाजत है नबी सुलेमान तो अलावा किसी नू इजाजत नहीं जिन्नात दे कोलो इंसाना वाले कम लवे जा मेरे पट्ठे वढ़ लिया जा मेरे डंगर चार आ सोशल मीडिया तो ना कही आंदे आ वेखो जी फलाना जादूगर उहदियां गावां जिन चारण डे ने फलाना इजाजत ही नहीं जायज ही नहीं किसी जिन्नात नू कैद करना जायज नहीं आ तुहाडे च वी ना कई वेखो कि बड़ा शौक होंदा यार मैनू भी कई कहिंदे सानू भी कोई चिल्ले करा मैं अल्लाह के घर बैठा अल्लाह की कसम उठा के ना मैं कोई चिल्ला नहीं जे कीता ना मैं कोई जिन कैद कीता जे ना मेरे को मोकल जो मोकल आते जो जिन कैद करते हैं पढ़ाई मैं एक दिन मैं पढ़ाई की सी डेढ़ घंटा आगे तीन कमांडर माशाला आए बमा फौजा दे आए मैनू जो पता चलिया तो कैद है मैं कह जाओ मेरे वालों तुम आज़ाद हो भाई मैं कैद करना ही नहीं अल्लाह के रसूल ने फड़ लिया शैतान को फिर मैं दिल किया मैं बन्ना कैद करा तुम सारे वेख लो लेकिन मैंने अपने भरा सुलेमान की दुआ याद आ गई मैं छड़ दिता और जेडे जिन्हों कैद करते उन्हों की मौत बड़ी भैड़ी होती नस्ल तक वैर नहीं मुकता इन्हों का जिन्नात का नस्ल तक मेरे को कई केस ऐसे आए हैं जिंदगी च गलती ना करे आ जाए साफ साफ करो मैं इस तरह मरीज बैठे दे सारे कई बार स्पीकर ला लेकर उस पढ़ाई करना उच्ची पढ़ना जिदी जिदी हाजिरी होवे संभालदा जाना जेडे हाजिर ना हो फिर अल्लाह के कुरान की बड़ी ताकत है फिर धक्के ना खिंच लई दे अल्लाह के कुरान के जरिए ना मैं जिन कैद किए ने ना मेरे को मौकल ने साफ साफ शरीयत के मुताबक अल्लाह का शुक्र अल्लाह का एहसान है अल्लाह मदद करता है कभी भी चिल्ले करके जिन कैद ना करे जे मेरी गल जिंदगी याद रख लिया जे कदी किसी मोड़ पर मेरी गल तो याद आएगी शौक बड़िया होता जे कैद कर जिन्हें भी कैद करने चेक कर लेना मौत बड़िया भैड़िया होंदिया जे हजरा हजरा हूँ बात तवज्जो फरमाते डे बात कर रहे हैं कि नबी सुलेमान अली सलाम का तख्त बड़ा आलीशान है जिस वेले तख्त के उत्ते कित सफर ते जाते हैं हवा न आर्डर देंगे ने महीनिया का सफर चंद महीनिया का सफर चंद घंटिया के अंदर तय हो जाता है हवाई जहाज तो भी ज्यादा ताकत है हजरत सुलेमान पैगंबर इस्लाम ने हम अपने तख्त के उत्ते उलमा बैठा दे बुजुर्गों बैठा
बैठांदे परिंदे बैठांदे जिन्नात नूं बैठांदे टुर पैंदे ने। एक दिन हवा नूं आर्डर दित्ता है, ऐ हवा मेरे तख्त नूं बैतुल्ला ले चल, मैं बैतुल्ला दे तवाफ करने। तमाम अंबिया अलैहिम सलाम ने बैतुल्ला दा तवाफ कीता सवाए नबी सालेह ते नबी हूद दे। इन्हां दीआं दो कौमां ने इन्हां नूं इन्ना मसरूफ रखिया ये बेचारे जा ही नहीं सके। बाकी हर नबी ने अगरचे तुहाड़े जिने सवाल आएगा बैतुल्ला हज़रत इब्राहिम ने बनाया उस तो पहला दे बैतुल्ला जिहड़ा जन्नत चो है चुकिया गया, निशानात मौजूद सन, सुरख रंग दे पत्थर निशानात सन। दलील सूरत इब्राहिम च हजरत इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल ते हाजरा नूं लैके जांदे ने, उत्थे किथे बैठाया है, रब्बना इन्नी अस्कम तो मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर धरइन बिवादिन गैर सीसाइन इंदा बैतिकल मुहर्रम। बनिया ते को नहीं सी ना, बनिया ते बाद चे ना, इंदा बैतिकल मुहर्रम। कुरान कह रहे हैं इस तरह अंदाजे ना तवाफ कर कीता हर नबी ने। हजरत सुलेमान हवा ने तख्त चुकिया ते बैतुल्ला ले आंदा है, तवाफ करते ने ते फरमाते ने आज जरा बरास्ता यमन चल। मुस्तदर के हाकम अंदर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की रवायत जरा चेक कर आज बरास्ता यमन चल, यमन उठरे ने, यमन का एक सूबा है छोटा जा जिदा नाम है सबा। उतों की बादशाह उतों की वजीरे आला औरत, सूबे की वजीरे आला, सूबे की वजीरे आला हाकिम औरत। हुण असीं कई तवीलां तवूलां करन डए आ मौलवी कितने जायज़ हो जाए क्योंकि हुण साड़ी आ गई है ना। हजरा हजरा हूँ बात तवज्जो फरमाते जाया जे जड़ी चीज़ हराम है हराम है, तस्वीर हराम है, तस्वीर तस्वीर सिर्फ और जिम्मे मौलाना अबू बकर सिद्दीक हाफिज़ा उल्ला मुआविया फरमा रहे सन ना, सिर्फ इस तरारी हालत में कुछ वक्त वास्ते इजाजत होंगी, वह भी जिते इस तरारी मजबूरी, बाकी हुक्म नहीं बदलता। तस्वीर अज भी हराम है, मैं बनावा हराम है, तुम बनाओ हराम है, हराम है। इसका मतलब यह नहीं कि मजबूरी की हालत अंदर इजाजत देना जायज हो गई है। हजरात जड़ी भी औरत जिस पार्टी की आवे ओदी हुकूमत जायज नहीं। हुण बातरा तवज्जो फरमांदे जाया जे हजरत सुलेमान पैगंबर दा तख्त चुक लिया, हवा ने टुर पैंदी है, जिस वेले सबा बस्ती दी वेखीए सब्जा बागात फसलां, उस वक्त दा मुल्क चाइना सी, आज दा जिवें चाइना तरक्की कर गया है ना, उस वक्त सबा चाइना सी, उस वक्त दा हर लिहाज ना तरक्की सी बड़ी अद्धी मुआशी गल तरह तवज्जो करे। आज हजरत सुलेमान फरमांदे ने इत्थे बाहर मेरा तख्त उतार दे, तख्त उतारिया। जनाब सुलेमान ने छाती मारी, सूरज अजे जोर दा बड़ा टाइम है क्योंकि हर नबी उते पांच ही नमाज़ा फर्ज हुई ने सिवाए नबी मूसा दे, हर नबी ते। सही बुखारी च भी रवायत है, मुस्नद अहमद च भी रवायत है। हाँ अगर किसी नबी की इस्तेसनाई को गल मिल जाए वो गल वक्री है। हजरत सुलेमान फरमाते ने जोहर का टाइम नहीं होया, मैं उन्हीं दे थोड़ा टिफे टुर लवा मुशाहदा कर लवा। एक परिंदिया दे विचो परिंदा है जिदा नाम है होद होद, जिदा नाम है होद होद। हफीज नू अज बहुत नुकरे लाया, खजना मारे भी दीवार ना आवे। अल्लाह अकबर, अज यार को मेहरबानी करके फीज नू फोन बंद करन दा कोई तरीका दस छड़े। अच्छा जो मैनू अब्दुल फीक खोकर फोन करे ना तो मैनू कहंदा यार बंद उतर आप ही कर दिया जे, मैनू बंद करन दा कोई जे पता। एडा सादा बंदा किया को। अल्लाह अल्लाह मेरे भाई की मोहब्बत कबूल फरमाए। हजरा हजरा हर बात तवज्जो फरमाते जाया जे, बात गौर करते जाना, जो मैं बात अर्ज कर लगा तवज्जो करते जाना। चाचा नन्ना भी खड़ा के जलसा मैनू कहता मुलतवी हो गया,
फिर करावांगे। मैं क्या ठीक है मलका दिता है जमीन ते बैठा है इन पता चल जमीन अगे शीशे दी बन जाती शीशे दी वेख लैंदा इत्थे पानी उच्चा है इत्थे नहीं मैं जिथे उच्चा हुंदा ठूंगे मारदा नबी सुलेमान जिन्नात नूं आर्डर दिंदे खूह खोदो खूह खोदिया जांदा वुज़ू करदे नमाज़ां पढ़दे जदों जिहड़ा बाकी खूह मखलूक अल्लाह दी मखलूक वास्ते छोड़ दिंदे ते अज हुद हुद जदों नबी सुलेमान आए ना वी टाइम जोर दा करीब है चलो भाई किथे गए जिन्नात चल हुद हुद किथे मैं दस पानी किथे ठीक है बातां के मैं कूआं खदवावां हुद हुद ओ किथे हुद हुद فَتَفَقَّدَتْ طَيْرٌ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ حضرت سلیمان فرماندے نے کی گل ہے کتھے وے خود خود مالیا یار قرآن پاک دے لفظاں دے غور تے کرو سورہ نمل جے मालिया ला अरल हुद हुद अम कान मिनल गाइबीन की हो गया मैनू हुद हुद मैनू ही नजर नहीं आ रहा या वाकिया तन गायब ले मौलवी जी तुसां ओही आता लभणियां ने अस्तगफिरुल्लाह कई कह देने तुसा वो यादा पढ़नी अड़िया नबी की गुस्ताखी कर अल्लाह जानता है कई किताबों भी लिखे है कई एलानिया कह देते हैं यार होवे कुरान ते करे नबी की गुस्ताखी कुरान ते शान बयान करन हुंदा है। हजरत सुलेमान कहते ने की गल मैनू ही नजर नहीं आ रहा या वाकिया तन गैब है जे नबी सुलेमान गैब जान दे फिर ये क्यों कहते मैनू की है मैनू ही नजर नहीं आ रहा या वाकिया तन गैब है आखिर जरा परिंदा परिंदिया का मोनीटर है तफसीर वाल लिखा परिंदा परिंदिया का मोनीटर बाज उकाब इनू पुछते ने कि हजरत जी मैनू भी दसन तो बगैर चला गया है आखिर कर उकाब ने परवाज की है वेखिया के सभा बस्ती वालों एक बाग वालों खुद खुद भी आ रहा है ये खुद खुद उतो कितों आया है ये सीधा चला गया सी इन्हें वेख्या जोहर का टैम नहीं होया नबी सुलेमान फिरन गए ने मैं भी फेरावा एक करीब बाग नजर आया बाग अंदर गया उत्थे एक होर खुद खुद है तू कौन है मैं मलका सभा का खुद तू कौन है मैं सुलेमान नबी का खुद खुद मलका सभा वो किड़ी मलक है इतों की बादशाह उन्हें क्या औरत बादशाह उन्हें क्या हाँ उन्हें क्या औरत बादशाह उन्हें क्या हाँ समझ नहीं आ रही चल मैं तेन बखाना लै गया मलका बिलकीस दे महल में सारा बखाया ये उधर मल मुल वेखन लग पिया मलका का हकूमत वेखन लग पिया इधर नबी सुलेमान खुद खुद लभन अच्छा इनी जरूरत बगैर दसन तो टुर गया ओ परिंदा परिंदा बगैर दसन तो निकलिया तू बगैर दसन तो शामो बाहर निकल जाना जे तेरा अब्बा तेन पूछी ले पुत्र किथे गया से अब्बा तू कौन है मैंने पूछने वाला कौन की है तेरा प्यो है जमया पालिया तेन हक बनता तेन पूछे किथे गया शामो बाहर और कोई गल की समझ आ रही है कि नहीं और जिन्हें पुछते ना वे वह बंदे दे पुत्र रेंदे ने ते जड़े वड्डियां नूं पुछण नहीं ना देते चवला ही बनते इला कली पुछण दिओ वड्डियां नूं मां नूं पुछण दिओ पुत्र कित्थे थे उन्हें दस अम्मा फलां जगह ते सा बाप नूं पुछण दे वड्डियां नूं पुछण दे तेरा फायदा है। हजरात हजरते सुलेमान पैगंबर गुस्से में आ जाते ने फरमाते ने आलवे नाला ओ अज़बन्नहु अज़ाबन शदीदा औला अज़बहन्नहु औला या अतयन्नी बेसुल्तानिम मुबीन
हजरत सुलेमान फरमाते ने मैनू बड़ी सख्त सजा देंगा या सबा कर देंगा। तो खुद खुद दोवें पैगाम सुन के उड़ गया, ओ अपना बाज बाज सुन के उड़ गया, ओ खुद खुद आ रहा उकाब दी चुके परवाज उच्ची सी मारी चपट नीचे आया, ओ खुद खुद ओ तेरा सत्यानाश हो जाए। नबी सुलेमान बड़े गुस्से च नहीं, तू दस के भी नहीं गया, अज तेरी खैर नहीं है, क्यों? उन्हें कह मैं बड़ी सख्त सजा देनी है या उन जी मैंने सभा कर देना। अच्छा कोई होर भी गल कही ने, आहो एक होर भी कही ने, ओ की औला या आते यमनी बेसुल्तान मुबीन। एक होर क्या ने, हाँ एक गल है, जे उन्हें कोई मकूल उजर दिता ना लिया के तो फिर मैं छड़ देंगा, जे कोई मकूल उजर दिता कहना हूँ खैर सल है। खुद खुद आ गया थोड़ा ही, खुद खुद आ गया ते नबी सुलेमान दे सामने आके बह गया, बड़ी आजी नाल बह गया, पर वछाले ने नीचे नबी सुलेमान फमा कासा गई रबाई दे। थोड़ी देर बाद आ गया हजरत सुलेमान फरमाते ने किथे गया से, कहना फकाल अहत्तु अहत्तु बिमा लम तो हित लम लम तो हित लम जाजिमा मुजारे ते आया माना माजी दा, पिछली गल हो रही किथे गया से, अब इन्ना टाइम किथे लाया ही। हजरत जी मैं तुहाडे कोल खबर लेके आया जिदा तुहानू भी पता, हजरत तुसी आलिमुल गैब नहीं, कौन कह रहे हैं बोलो सारे बोलो। فقال احدت بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبع یقین। हजरत जी तुहाडे कोल मैं खबर लैके आया वा जिदा तुहानू भी पता नहीं। हजरत सुलेमान फरमांदे ने केड़ी खबर है, हुण बात ते गौर करदे ना रे, सिर ते मुसीबत आई है, सिर ते मुसीबत की आई है, या मैं ज़बा कर देना या बड़ी सख्त सजा देनी है। हुण ज़बा तो बचाया सख्त सजा तो बचाया किन्ने इलम ने, इलम ने जाओ अज मेरी ये गल पल्ले बनो, जिन्ना घरां दे अंदर मुसीबत दर मुसीबत आउंदियां ने, अपने धी पुत्र नूं दीन दा इलम खालस इस नीयत ते पढ़ाओ, मेरा धी पुत्र दीन पढ़ के अल्लाह दा दीन फैलाएगा, एक साल बाद मैनूं दस्सिया जो तुहाडे घर दे हालात बदले ने कि नहीं। पढ़ाओ ते जे चाहुंदे हो मेरा खतीब पुत्र छेती छेती बने फिर लाहौर मेरे मदरसे कर लो, क्योंकि असी पहली क्लास तो ही नाल खिताबत दे गुर दसने शुरू करने हैं। बाकी उस्ताद पढ़ाते ने एक सबक मैं आप रखना एक या दो, उस सबक के अंदर ही मैं नाल नाल खिताबत दे गुर कापियां ते लिखाना, ताकि बच्चा साढ़े दूजी दूजी क्लास के बच्चे जुमे पढ़ा डे माशाल्लाह जलसिया से बजा डे मेरी मेरे मदरसे के तालबे कहो तो मैं तुहाडे इलाके किसी जुमे का टाइम दो मैं घलना सुन के वेख्या जी मेरे मदरसे के दूसरी क्लास के तालबे आ हूँ दूजे का इम्तिहान दिता है ना। जे खतीब बनाना है तो आओ मेरे को कर लो इंशाअल्लाह। वैसे मदरसे फैसलाबाद शेखुपुरे माशाल्लाह किसी मदरसे भी कर लो। हजरात बच्चियों दारुसलाम एजुकेशनल सिस्टम मौलाना मकबूल अहमद तूर साहब हाफिज़ाउल्लाह राबता करो, बच्चियाँ पढ़ाओ। हजरात इलम दी वजह तो रब्बुल आलमीन सिर ते आईया ते आन वाली मुसीबतों टाल देंदा जे। हुण जिहड़ी मैं बात करां काले ना पिया जे इहदे दो तर पॉइंट मैं तुहाडे सामने अर्ज कर देने ने। हुण की खबर लैके आया है, कहिंदा इन्नी वजह तुमरा अतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्ले शैइन व लहा अरशुन अज़ीम। हजरत जी मैं वे के आया वा उतों की हुकूमत कर दी एक औरत ते उद मुल्क तरक्की बड़ी कर गया है, हाकमा औरत है मुल्क तरक्की बड़ी की थी है, बंदे ने तरक्की नू नहीं वेख्या परिंदे नू नफरत हुई, औरत हाकमा क्यों है, औरत दी हुकूमत औरत दी हाकमियत ओ छोटी जी सिरी वाले परिंदे भी पसंद की थी।
नहीं। नबी सुलेमान फरमाते ने कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो मतलब अपनी जान बचाने वास्ते ने कहानी बना ली हो। मैं चेक करना, तू कि बहाना तेरे बना लिया बचन का, या तू सच्चा है? जे सच्चा है ना फिर एक कम कर, इस हब्बे के ताबी हाजा फल के लिए इस तरह कर, मैं तेन चिट्ठी लिख के देना वा, ये मेरी चिट्ठी ले जा उस हाकमा दे कोल, उस मलका दे कोल, मलका दा नाम है बिलकीस, ओदे कोल मेरी चिट्ठी ले जा और चिट्ठी उन्हों दे के ते सैण ते होके बह जावी, वेखी के सैण ते होके की गल कर दीए, की तेरे नाल की चिट्ठी नाल मुआमला कर दीए। इस हब किताबी हाजा फल के इलैहिम ثم تضل عنهم فانظر ماذا يرجعون। मेरी चिट्ठी ले जा, खुद खुद ने जनाबे सुलेमान की चिट्ठी फड़ी, टुर पिया ते सिद्धा गया मलका दे महल अंदर गए। आए दोपहर का टाइम है, मलका सारे दरवाजे ताले ला के अंदर चित लेटी है, सारे दरवाजे मुकफल ताले लगे, रोशनदान खुला हवा वास्ते, रोशनदान चो बढ़िया इतने सीने ते रखिया, खात रख के ना परां दा जोर ला के ओ जाके बह गया। ते मलका भी उठ पई, कईयां दी नींद कख हिले तो उठ पैंदे ने, ते कईयां कोल भावें स्पीकर पे वजाओ ते ढोल पे वजाओ कड़े रोड़ के सुते हुंदे ने। मलका उठ पई, खात मेरे सीने ते, दरवाजा बंद है, बंद है, बंद है, सारे दरवाजे बंद ने, ताले लगे लगे ने, अंदर भी कोई नहीं, खात कितों आ गया? अच्छा 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 अच्छा, वो जो मैं जागन लगी सा ना ते मेरे कन्ना च ना एक आवाज पई सी फर 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 फर, जिवें कोई परिंदा उड़दा ना जोर लांदा। अच्छा ओ जड़ा परिंदा बैठा है ना मेरे वल वेखी जांदा है, परिंदा खत लैके आया, परिंदा खत लैके आया, वो केड़ी एडी अजीम हस्ती है जिदा खत परिंदे लैके आ रहे ने। खत खोलिया ते अपने सरदारा नू ते अपने कौमां दे सरदारा नू बुला के कहंदी है, कालत या अय्युहल मलाउ इन्नी उल्किया इलैया किताबुन करीम इन्नहु मिन सुलैमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कहंदी है मेरे को एक चिट्ठी आई है बड़ी मुअज्जज़ शख्सियत दी, उन्हां दा नाम है सुलेमान, अल्लाह दे नाम दे नाल उन्होंने सन लिख के गले आए, अल्लाह तअलू अलैया व अतूनी मुस्लिमीन। उन्हां क्या तकब्बर ना करिया जे, जल्दी नाल मेरे को आ जाओ, मुसलमान हो के मेरे को आ जाओ, दसो तुहाडा की प्रोग्राम है। गल लंबी है, फैसला हो जाता कि असा आकड़ना नहीं, लड़ना नहीं, लड़ना नहीं, आकड़ना नहीं, असी सीधे चलने हैं नबी सुलेमान दे कोल। जनाबे सुलेमान को खबर मिल गई मलका बिलकीस आ रही है और उदा तख्त बड़ा सोने चांदी जवाहरात दे नाल मुरस्स है, और उन्हों कोई ना कोई मैं अपना मौज जा दिखाने। हुण मलका मेरे को आ रही है ते उदे आन तो पहले पहले तख्त जरा मंगवाना है। हजरत सुलेमान पैगंबर बैठे ने दालत दे अंदर, कहिंदे ने जिन्हें भी मेरे को बैठे हो आ रहे मैं हो उलमा वो जिन्ना तो जिन्हें भी हो, फरमाया सुनो का लाया अय्युगल मलाओ अय्युकुम या अतीनी बे अरशे हा कबला अय्या अतूनी मुस्लिमीन। काला इफरीतुम मिनल जिन्न अना आती कबही कबला अंतकूम मिन मकामिका व इन्नी अलैहि लकवियुन अमीन।
हजरत फरमाते ने तुहाडे चों केड़ा जिहड़ा दे तख्त नूं मलका दे आन तो पहले लैके आए, क्योंकि जदों दा तख्त जिहड़ा एडा नगरानी दे अंदर है हर पासे गार्ड ने पहरेदार ने, लेकिन लैके आओ मलका दे जो आवे ओह तो पहले उहदा तख्त इत्थे होवे ताकि उहनूं पता चल जावे आम शख्सियत नहीं अल्लाह दे नबी ने जिन्हां दा मौजज़ा है। काला इफरीतुम मिनल जिन, एक इफरीत बोलिया, इफरीत कहते ने एक हुंदा दियो, एक हुंदा दियोवां दा दियो, बड़ा इन्हां दा कद हुंदा 500-500 फुट 600-600 फुट, इस तो भी बड़े बड़े कद दे जिन ने, जिन्नात दे बड़े बड़े कद हुंदे ने। ये मेरे अल्लाह दा इख्तियार अल्लाह ने दिता उन्हां नूं, जिन खून दे कतरे दे बराबर भी सुकड़ के हो जाता है, फैल के पहाड़ दे बराबर भी चला जाता है। जिन्नात की जिंदगी साढ़े वाली है, सिर्फ उन्होंने बसा लारा दी लारियां दी लोड़ नहीं, उस किंटा में किते दे किते बड़ी प्रवास, तुहाडा जहाज भी इन्नी प्रवास नहीं कर सकता जिनी जिन्नात की स्पीड होंदी है, बड़ी स्पीड है इन्हां दी। आ वेखो ना स्पीड की गल हो रही, आ स्पीड ही है। इफरीत कहिंदा हजरत जी मैं जड़ी जगह बैठे हो तुहाडे उठन तो पहले पहले तख्त लैके आ जावांगा। तख्त भी इन्नो बड़े बड़े, तुहानू दस्सिया ताकतवर ने, इन्हां च बड़े बड़े ताकतवर। हजरा हजरा हुण बात तवज्जो फरमांदे ना आ जे, लेकिन मैं तुहानू फिर अर्ज कर देना वा, ये दुनिया के काम जड़े ने जिन्नात तो लैने सिर्फ नबी सुलेमान नूं इजाजत है। हाँ अलबत्ता को इलम मालूमात की बात होवे ते जिन्नात तो लै सकते हो, लेकिन वह भी हर जिन उत्ते यकीन ना करिया जे, बहुते झूठ बोलते ने नबी, लेकिन कई यार झूठे सच भी बोल जाते हैं। नबी पाक ने फरमाया सी अबू हुरैरा है झूठा ये गल, हुण गल इलम दी गल सी ना, जिथे आयतुल कुर्सी पढ़ी जे मैं नहीं आउंदा, मलूमात दी गल अगर कोई जिन सच्ची दस दे वह लै लो, वह लैनी जायज़ है मलूमात तो कि आ मरीज अंदर किन्ने जिन ने, क्योंकि इंसान को नज़र नहीं आती, जिन्हू जिन नज़र आ जाते हैं वो दी स्मैल वेख के दसे या अखा वेख के दसे ये अंदर इन्ने ने, ये अंदर इन्ने ने, इन्ना पुराना जादू, यह मालूमात लै सकते हो लेकिन दुनिया के काम नहीं। हजरा दसना की जाना वा, जिस वेले मलका अपने वजरा समेत आ जाती है आके कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाती है, नबी सुलेमान नू पता चल जाता खुद खो सचाए जड़ी गल दसना चाहना वा। हजरती सुलेमान ने ऐलान कर दिता सी सभा कर देना या सजा दे देनी है या को खबर ले आके या को दलील पेश कर दे बगैर हाजिर होने दी। हुण उन्हें जो इलम की बात दसी सिर ते आई मुसीबत, खुद खुद के सिर तो टली कि जरिए इलम, हुण समझ आई जे इलम नाल अल्लाह बच्चों को भी इज्जत दिंदा है, बच्चों के माँ बाप को इज्जत दिंदा है, इलम दे नाल बच्चों के माँ बाप को इज्जत दिंदा है। मैं उम्मीद रखा बच्चों को पढ़ाओगे, बस आखिरी ऐत सूरत तौबा दी 122 नंबर ऐत वो पढ़ के ते गल मुकान लगा, वो जरा तवज्जो ना समात फरमा लिया जे, वो हुक्म अल्लाह दा हो रहा, हुक्म तुहाडे सामने बयान कर लगा, रब्बुल आलमीन दा हुक्म। सूरत तौबा ऐत नंबर 122 अल्लाह पाक इरशाद फरमाते ने, सूरत तौबा दी 97 ऐत अल्लाह पाक ने फरमा दिता है, रब्बुल आलमीन फरमाते ने ये जड़े देहाती लोग ने मदीने दो चार चफेरे दूर दूर दियां बादियां वे रहन वाले जिन्हां नूं दीन दी इन्नी वाकफियत नहीं, वो कुफर दे अंदर भी बड़े सख्त ने, निफाक अंदर बड़े सख्त ने। फरमाया इन्हां नूं चाहीदा है कुफर ते निफाक नूं दूर करने वास्ते, अपनिया सख्तियां नूं दूर करने वास्ते। वमा कानल मुमिनून लियनफिरू काफतन फलौला नफर मिन कुल्ले फिरकतिन मिनहुम ताइफतुन लियतफक्कहू फिद्दीन वलियुनज़िरू कौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून।
रसूल मोमना नु चाहिदा सारे दे सारे जे हाथ ते ना निकल जान मोमना नु चाहिदा सारे दे सारे कारोबारा ते ना निकल जान मोमना नु चाहिदा सारे दे सारे होर कम्मा नु ना निकल जान बल्कि इन्हां दे विचो थोड़े जे मदरसियां दे अंदर आन इलम पढ़न दीन दी समझ हासिल करन अपनी अपनी कौमां नु जाके दीन समझान ताके उन्हां दे विचो बद अखलाकियां बद अमालियां सख्त मेजाजियां दूर होन हुण कुरान ने कह दिता है बहुते कारोबार करो लेकिन तुहाडे विचो कुछ इलम ही पढ़ो जिदे चार पुत्र ने तीन कारोबार करो एक मौलवी बने जिदियां चार धीआं ने तीन घर दे काम करन एक जड़ी आके दीन पढ़े एक कुरान दा हुक्म जे सूरत तौबा जे आयत नंबर 122 जे हाथ खड़े करके दसो किदा कुरान ते ईमान है जे ईमान है फिर इस आयत ते अमल करो इस आयत ते अमल करो जिदे दो पुत्र ने एक मौलवी बनाए अल्लाह इज्जत देगा लेकिन ऐ नीयत रखे मौलवी पुत्र मौलवी बन बड़ी पे जिथे जाए ना ठोके रुपये लई ताई सीधी सीधी गल है गड्डी का खर्चा ड्राइवर का मेरा खर्चा मौलाना मकबूल साहब मैं जलसे तो सदना जे 40,000 रुपया लगे ठोके रख इतना ये नहीं मुकदरा का रज कला तेन देगा हजरत मैं आने दीन दसो उत्थे जरूरत किस चीज़ की है तुहाड़े मुआशरे नूं कीड़ी खराबी है जिहड़ी अज्ज दा रद्द करना है किहड़ा अमल है जिहड़ा लोकां विच घाटे मैं वह बयान करा लोकां विच आए दीन दी समझ ऐस नीयत ते अपने पुत्रां नूं धीआं नूं दीन पढ़ाओ मैं उम्मीद रखांगा तुसां हथ खड़े करके वादा कीता है तुसीं हुण अपनी औलाद विचों अपनियां धीआं नूं अपनियां पुत्रां नूं दीन पढ़ाओगे अद्धियां दी आवाज़ निकली है दीन पढ़ाओगे अल्लाह मेरा तुहाडा सब दा हामी और नासिर होए जी मेरे बयान दे किसे जुमले हवाले ते कोई इश्काल इतराज या कोई सवाल होवे खुले दिल कर सकते साडे मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब दे भाई कारी अब्दुल जब्बार साहब शाकिर जेड़े पिछले दिन वफात पा गए दुआ फरमाना रब्बुल आलमीन अपनी रहमत तो फजल दे नाल उन्हां दी बख्शिश फरमाए ए भाई बीमारा वास्ते दुआ करी मस्जिद के नमाजी जवेद बाजवा साहब ए बीमार ने मस्जिद के साबका इमाम हाफसनाउल्ला ज़िया साहब ए भी बीमार ने और मौलाना मकबूद अहमद तूर साहब की वालदा बीमार दुआ करना अल्लाह इन्होंने शिफाए कामिल आजल अता फरमाए बाबा जी इमदादुल्ला साहब आशर की वालदा मोहतरमा बिन्यामीन बाठ की वालदा और भाई इनाम गुज्जर के वालिद मोहतरम हाफ़िज़ शुएबुल्ला के वालिद मोहतरम इस मस्जिद के बानी अच्छा कट दे ठीक हो गया इन्हां वास्ते दुआ करनी जेड़े दुनिया तो चले गए अल्लाह उन्हां दी बख्शिश फरमा भाई चावल पके ने तुहाडी मेहमान नवाजी वास्ते हाँ जी भाई जी 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 भाई खामोशी ना सुन आमीन 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 भाई ने कहा कि जिस तरह तुसी नजरे बद और जादू दे बारे क्या है दुआ भी कर दिया जे जेड़ा को नजरे बद दा और जादू दे शिकार है अल्लाह उन्होंने तंदुरुस्ती दे अल्लाह ओए भाई खामोशी प्यार करो की मसला है अल्लाह उन्होंने इस मुश्किल दे विचों कढ़े हाँ भाई जरूर है लेकिन इलाज उदा जरूरी है नबी अलैहिस्सलाम ते जादू होया उन्हां तो वड्डी हस्ती कि दुनिया ते आई है जिब्राइल मीकाईल ने आके दस्या आपने इलाज किया इलाज करवाओ अल्लाह शिफा देगा अपनी रहमत नाल ते जड़ी बे अपना नजरे बाधे उदा मैं तरीका दस्या रात नूं सौण तो पहले
तीन तिने कुल तीन तीन दफा पढ़ के हथा से फूक मार के जिसम से फेरिया करो, सुबह शाम दे अस्कार करो, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला पढ़ते रहो, आयतुल कुर्सी पढ़ो, दीगर जड़े शरीयत ने औरात वगैरह विरद वगैरह दसे वो पढ़िया करो। अल्लाह अपनी रहमत फरमाए। या अल्लाह जिन्हें तेरे बंदियाँ बंदे बीमार सब नू शिफा दे दे। अल्लाह जिन्हां दियां दरखास्तां या अल्लाह कबूल फरमा। जिन्हें मोमिन मवख दुनिया तो जा चुके उन्हां दियां कबरां जन्नत दे बागीचे बना। या अल्लाह उन्हां दे उत्ते रहम फरमा। अल्लाह उन्हां ते रहम फरमा। अल्लाह सी जिहड़े जिंदा मां सन इस्लाम ते कायम रख। मौत आवे ईमान दी हालत ते आए, बे औलादियां नू नेक औलाद दे दे। जिन्हां नू अता कीतियां नेक ते फरमा बरदार बना दे। अल्लाह जिन्हां कोल बेटे बेटियां ने बेटे भी अता फरमा। अल्लाह अपनी रहमत दे नाल मौलाना मकबूल अहमद साहब इन्हां दी पूरी जमात जिन्हां ने इस प्रोग्राम दीती, अल्लाह जिन्हां जिन्हां जो हिस्सा पाया उन्हां दे माल जान कारोबार अंदर बरकतां अता फरमा। सल्लल्लाहु अला नबी व आलिही व सहाबिही अजमाईन बिरहमतिका यार। यासीन अब्दुल्ला केसट एंड सी डी हाउस फैसलाबाद मुंशी महला फैसलाबाद उतों आई दे प्रोग्राम दियाँ तुहानू कार्ड मिल जाएंगे। और इस तरह यासीन ये भी यासीन इस्लामिक सेंटर है ये भी मेरे ख्याल ही ने इन्हों तो इंशाल्लाह प्रोग्राम दे आई दे दिया तुहानू मिल जाएंगे। सीढ़ियाँ भी मिलनगियाँ, कार्ड भी मिलनगे, मोबाइल अंदर पाओ, इन्हों को रिकॉर्डिंग कराओ जाके जिन्हों को कार्ड दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आने वाले मुअज़्ज़ज़ीन मेहमानों की दिल के अथाह गहराइयों से हम खुश आमदीद कहते हैं। अहलन व सहलन मरहबा। अल्लाह आप सब की तशरीफ आवरी को कबूल फरमाए।